यहाँ पर जितने भी आपको घर नजर आएंगे ये सारे हिंदुओं के घर हैं। ये जो घर है ये हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं। ऊपर नाम लिखा हुआ है कांजीराम गोयल, उर्दू में लिखा हुआ है हरिओम तत्सत। ये रहा वो सामने हमारा मंदिर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक न्यू व्लॉग में। दोस्तों मैं आज एक ऐसे विलेज में आया हूँ, ऐसे गांव में आया हूँ जहाँ पे तमाम जो है हिंदू लोग रहते हैं, और यहाँ पे मेरे साथ कुछ हिंदू भाई भी खड़े हुए हैं, मेरे दोस्त हैं। विनोद ठाकुर हो गया, साजन चौहान हो गया, आपका नाम नहीं आया, आदेश कुमार, और वो मेरे हम नाम ही हैं, मक्खन जी साइड पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे बुज़ुर्ग भी जो हमारे साथ में से जो है ना बड़े वो भी खड़े हैं, साजन चौहान। फिर हमें जो है साजन चौहान यहाँ पे जो विलेज है इनका विज़िट करवाने वाले हैं। साजन चौहान क्या क्या पहले विज़िट करवाएंगे आप? तो मक्खन भाई सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी। तो ये जो पूरा मोहल्ला है, तो दोस्तों ये जो आप पूरा मोहल्ला देख रहे हैं ये हमारे हिंदू भैया का मोहल्ला है। यहाँ पर जितने भी आपको घर नज़र आएंगे ये सारे हिंदुओं के घर हैं, और पास ही यहाँ पर अगर इस हाउस की बात करें, ये जो घर है ये हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, तो ये भी हिंदू भाई हैं, तो यहाँ पर इनका नाम भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ऊपर नाम लिखा हुआ है कांजीराम गोयल, तो ये एक पॉलिटिकल लीडर हैं, तो यानी कि पॉलिटिशियन में ये काम करते हैं। तो ये हमारे एक हिंदू भाई हैं, तो ये घर है। बाकी आगे चलते हैं और यहाँ पर ये भी आपको दिखा देते हैं जी। जी तो ये जो आप एक घर देख रहे हैं, मतलब घर तो नहीं है, ये एक मैरिज हॉल है जी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, ये यहाँ के जितने भी वासी यहाँ पर हिंदू हैं चाहे जो भी हैं, तो ये उनके लिए हॉल बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर कोई इवेंट होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई शादी ब्याह होता है, तो ये जगह उसके लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर ये जो हमारे वासी हैं इसको यूज़ करते हैं। बाकी आगे चलते हैं और आप इस तरफ कंटीन का भी बता दें। हाँ, तो ये एक छोटी सी एक शॉप है, ये एक छोटी सी शॉप है जो कि हिंदू बच्चों ने खोली हुई है। तो ये देखें यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, और ये इधर तस्वीर भी जो है श्री कृष्ण भगवान की लगी हुई है। गुड हो गया, चले यहाँ से। अब आगे आपको जो है ना विजिट करवाते हैं हम मंदिर का भी और विलेज का भी। क्या हाल है जी? ठीक है, तो भाई ठीक है, ठीक ठाक। तो ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, यहाँ के वासी हैं, तो इनका नाम है गुरदास जी, तो ये यहाँ के रहने वाले हैं। तो अभी अभी आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ गए थे? तकिए पर गया था। अच्छा, ठिकाने मत्था टेकने पे। सही सही, ये पोता अभी आया है, तो इनको भी मतलब मैंने तो चलो भाई देखो ना, हम जिस तरीके से चलेंगे हमारे बच्चे भी, जो हम इनको संसार देंगे जी, बिल्कुल, जो हम शिक्षा देंगे बच्चे वो लेंगे, वही लेंगे। क्योंकि वाहिद हमारी कौम है जिसमें न्याज निवृत या एहतराम समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा आगे मजीद मूव करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं हिंदू मोहल्ला। तो यहाँ पर एक दरबार भी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही हमारा एक बहुत प्यारा मंदिर है, वो बाबा रामदेव पीर का मंदिर है, तो वो भी आपको आगे चलकर दिखाते हैं। तो आओ चलें। और यहाँ पर ये देखें, ये जो घर है ये मेरा अपना घर है, तो ये यहाँ पर यानी कि मैं रहता हूँ, और बाकी आगे चलते हैं। ये जितने भी घर हैं सारे हिंदू भाइयों के घर हैं, तो आओ आगे मूव करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और दोस्तों ये जो घर है ये भी हिंदू भाइयों का घर है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखें, तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कोरिका हाउस, तो नाम भी लिखे हुए हैं अकरम लाल, विक्रम कुमार, मनोज कुमार, जसवंत कुमार, तो ये नाम लिखे हुए हैं। ये हिंदू घर है, और ये मेरे चाचा जी का घर है, तो यहाँ पर ये एक झंडा भी लगा हुआ है जो कि बाबा रामदेव पीर का झंडा है। तो आगे चलते हैं। तो मक्खन भाई ने जो है अपना आज कैमरा मुझे पकड़वा दिया है, तो इनका व्लॉग जो है आज मैं बना रहा हूँ। तो चले चलते हैं आगे, मजीद मूव करते हैं। देखें ये भी घर जितने भी हैं ये सारे हिंदू भाइयों के हैं। और अगर इस तरफ देखें तो ये एक मिट्टी से बना हुआ छपरा है, तो हमारी ज़बान में इसको छपरा बोलते हैं। तो ये कच्ची मिट्टी की दीवार भी यहाँ पर बनी हुई दीवार, तो देख सकते हैं। तो ये बहुत पुराना घर है। ये देखें, ये भी घर है, और यहाँ पर ये देखें हरिओम तत्सत लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है हरिओम तत्सत। तो ये भी कोरिका हाउस है, रमेश जी नाम है। तो आगे चलते हैं। तो ये भी एक अभी घर जो है तैयार हो रहा है, यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो अभी ये भी हमारे हिंदू भाइयों का ही घर है। तो अभी देखें, अभी ये बन रहा है, तकरीबन तैयार हो चुका है, थोड़ा सा रहता है। और दोस्तों ये जो है ये दरबार है, तो ये दरबार मतलब इसके अंदर हमारे मुस्लिम भाई भी आते हैं, हिंदू भाई भी आते हैं माथा टेकने के लिए। तो विनोद भाई भी फ्लांग कर देख रहे हैं कि अंदर कौन कौन बैठा हुआ है। ये गेट है, तो इसके अंदर एंटर होते हैं। अरे मक्खन भाई अंदर चलें। तो ये यहाँ से एंट्रेस है, और सामने ही वो दरबार है, तो आपको चलते हैं।
और जूते जो हैं वो हम यहाँ पर उतार देंगे तो इस तरह से, और क्योंकि दरबार है तो एहतराम करना चाहिए। तो आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं ये दरबार जी। तो ये देखें, तो ये दरबार है और ये जिनकी दरबार है उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है। तो हज़रत सूफ़ी ताज मोहम्मद सईं, ये नाम लिखा हुआ है उर्दू में। तो ये देखें, ये दरबार उनकी बनाई गई है। और दोस्तों ये दरबार का हाल है, तो ये देखें, तो काफ़ी बड़ा हाल यहाँ पर बनाया गया है और इसका हर साल मेला भी होता है। तो वो मेला बहुत जल्द आने वाला है, अगर मक्खन भाई का यहाँ पर चक्कर लगा तो वो भी मक्खन भाई आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये यहाँ पर छोटे छोटे कुछ पौधे भी लगे हुए हैं, ये देखें, तो मतलब खूबसूरती है इसके अंदर और अच्छे से जो है इसकी बनावट, इसको यानी कि बनाया गया है। तो चलो दोस्तों अभी मंदिर की तरफ चलते हैं। तो ये रहा वो सामने हमारा मंदिर, तो अभी विज़िट करते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से मंदिर। तो ये मंदिर है, ये देखें, ये एक गेट है मेन और सामने ही मंदिर है। तो अभी उसको कुंडी लगी हुई है तो वो जाकर हम खोलते हैं। और दोस्तों ये जो गेट नज़र आ रहा है, इस गेट के पीछे और भी बहुत सारे घर हैं जो कि तकरीबन 40 से 50 घर हैं, वो सारे हमारे हिंदू भाइयों के घर हैं। ये साथ भी घर हिंदुओं का है, सामने ही वो हिंदू भाइयों के घर हैं। और ये अभी हमारे मक्खन भाई दरवाज़ा खोल रहे हैं गेट अपना मंदिर का, तो मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया यहाँ पर, ये देखें। तो ये दोस्तों बाबा रामदेव पीर का मंदिर है, तो जैसे कि उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर लगाई गई है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर शाम के टाइम पे डेली जो है पूजा की जाती है और बाबा रामदेव को पूजा जाता है। तो ये देखें, और श्री कृष्ण जी और राधा जी की फ़ोटो भी यहाँ पर स्थापित की गई है, और इसकी सजावट डेकोरेशन जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से की गई है, हमारे गणेश जी श्री कृष्ण जी, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़ोटो बाबा रामदेव जी का जो कि आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं और आप लोगों को और नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ पर अगर कोई मेला वगैरह होता है तो यहाँ पर ना लंगर तैयार होता है सारा, मतलब कि जो आपको बताया था पीछे के एक मेला होता है बहुत अच्छा, यहाँ पर ना लंगर तैयार होता है उसका। तो दोस्तों ये जो दरबार आपको दिखाई है, तो इस दरबार का जो हर साल मेला होता है उसके जो लंगर तैयार किया जाता है, या हमारे बाबा रामदेव पीर का जो मंदिर उसका जो लंगर तैयार होता है मेले पर, वो यहीं पर इसके अंदर तैयार किया जाता है। तो अभी आगे मज़ीद मूव करते हैं, और अगर इस तरफ देखें तो फिर खेतों का नज़र आ जाता है, फसलें आ जाती हैं। और अभी हम इस साइड पर चलेंगे, इस साइड पर भी तकरीबन हिंदू भाइयों के घर हैं, और अभी यहाँ पर मूव करते हैं और आप लोगों को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा और माहौल विज़िट करवाते हैं। और दोस्तों ये भी हिंदुओं का घर है, तो ये देखें, ये एक छोटा सा रूम है, इसके अंदर जो है किराने का शॉप खोला हुआ है इन लोगों ने, तो अभी बंद है। और यहाँ पर भी ये सारे हिंदुओं के घर हैं, ये देखें आप देख सकते हैं। तो हमारे जो दोस्त हैं वो सामने खड़े हैं, तो अभी चलते हैं। और ये देखें, कपास का सीज़न जो कि अभी चल रहा था तो ख़त्म हो गया, तो ये कपास की जो लकड़ियाँ होती हैं वो काट कर यहाँ पर रखी गई हैं, क्योंकि घर के घर में जो है चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों ये जो आप घर देख रहे हैं, ये भी हमारे हिंदू भाइयों का घर है, और ये चौहान हाउस है। तो ये जो बेसिकली घर है, ये हमारे विनोद भाई का घर है, तो ये जो हमारे साथ आज घूम रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई जहाँ पर नाम लिखे हुए हैं चौहान हाउस, तो ये लिखा हुआ है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ऊपर चौहान हाउस लिखा है, फिर लिखा है ठाकुर दास वल्द टेका जी और सुनील ठाकुर दास। तो ये ठाकुर दास जो हैं ये विनोद के पापा हैं, तो ये बेसिकली काउंसलर हैं, तो साथ के बाद तहसील के। तो ये देखें, ये घर है, और साथ ही यहाँ पर आपको दिखा दें, ये गवर्नमेंट का एक छोटा सा स्कूल भी है जहाँ पर हमारे गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं, और तकरीबन 4 से 5 5वीं क्लास तक का ये स्कूल है। तो थोड़ा सा आपको आगे चल कर दिखाते हैं। तो ये देखें, तो ये जो है स्कूल का मेन गेट है ये वाला, तो ये गेट है और यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल टीबी बगावर। तो हमारे जो गांव का नाम है वो है
ये लिखा हुआ है टिब्बी वघावर नाम है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आओ स्कूल चलें 1234, ये हेल्पलाइन है। तो आप अगर कोई मसला है तो आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो। ये देखें, ये एक स्कूल है गवर्नमेंट का। तो दोस्तों ये था विनोद भाई का घर, और अभी ये सामने इन्होंने गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, तो जो मेहमान वगैरह आते हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं, वो यहाँ पर उनको बिठाते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, आप लोगों को विज़िट करवाते हैं। तो अभी जो है हमारे दोस्त वो अंदर जा रहे हैं, तो ये देखें इस तरह से हम अंदर एंटर होंगे। और यहाँ पर इन्होंने कुछ पालतू जानवर भी रखे हुए हैं, जैसे कि ये देखें वहाँ पर भैंस खड़ी है और उसका एक बच्चा भी है। तो और ये घास काटने की मशीन है, तो ये देखें चारा वगैरह काटने की जो मशीन होती है वो है, जो कि मोटर पर चलती है यानी कि बिजली पर चलती है। और ये हाल है, तो यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी गपशप लगाएंगे। तो ये विनोद भाई का गेस्ट हाउस है वो है। और इस तरह भी कुछ जानवर हैं, तो ये देखें जैसे कि यहाँ पर गाय है और बकरियाँ वगैरह भी हैं, तो आप देख सकते हैं।